नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नई संसद भवन के ऊपर बनाए गए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये अशोक स्तंभ लगभग 9,500 किलो वजनी बताया जा रहा है, साथ ही 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं कितना भव्य अशोक स्तंभ है। जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने पूरे विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर इस संसद भवन के ऊपर लगे भव्य अशोक स्तंभ का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरीके से इस भव्य राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया, पूरे देश में एक मैसेज गया है। और जिस तरीके से ये जो भव्य अशोक स्तंभ है, जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है, कहीं ना कहीं सत्य में जयते के एक आदर्श को दर्शाता है। और इतने बड़े जो भव्य संसद भवन का निर्माण हो रहा है, उसके ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह का इतना भव्य तरीके से बनाया जाना और उसका अब अनावरण किया जाना, वो भी अपने आप में एक भव्यता को दर्शाता है। उस वक्त वहाँ पर जब यह अनावरण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यसभा के उपसभापति और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी एवं खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारे ये लोग, इनकी उपस्थिति में इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। देश में जिस तरीके से खुशी का माहौल है और नए संसद भवन के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो लगभग अक्टूबर 2022 रखी गई है और इसकी जो डेडलाइन यही है, और शायद 2022 अक्टूबर तक नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और देश के संसद का कार्य इस नए जो भवन में है वो शायद अक्टूबर या नवंबर से प्रारंभ हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।